तो क्या ऑफ ऑफ कैमरा ऑफ स्टेज भी आप ऐसे ही होती हैं ज़िंदगी में सेट्स पे भी, भी आप इतनी साफ बात साफ गोई से कह देती हैं लोगों को या हाँ मैं बस दिल नहीं तोड़ना चाहती किसी का हुँ. लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं ऐसी चीज़ें ही नहीं क्रिएट करती हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई okay. आके मेरे मुंह पे खड़ा हो जाए मैं नहीं करती हूँ दूसरी बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि बारह घंटे ना मेरे बहुत

दिन द करेक्ट कैरेक्टर वॉज सो अमेजिंग आई फेल इन लव मैंने कहा उफ yeah. यही करना है फिर अली इतना अच्छा फैंटेस्टिक एक्टर है फिर रमशा बहुत अच्छी एक्टर है मुझे लगा ये बहुत अच्छा एक ट्राय बना है yeah. और वो ही पूरी टीम शहनाई कर रही थी yeah. तो आई नवर वॉन्टेड टू मिस तो जब मुझे अहमद भट्टी ने कहा कि जी ये कैरेक्टर है इस इस तरह से है और उस मुझे mm. पूरे एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा कौन कौन है इसमें mm. तो उसने कहा ये 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 सब हैं तो शेख साहब के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था तो मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं शेख साहब के साथ हूँ काम करूँगी फिर आ, बाकी जितनी कास्ट थी मुझे लगा यार इट्स अ फैंटास्टिक सीरियल एंड इवन मैं इसमें इसमें नज़र भी आऊँ तो ये मेरे लिए बहुत mm -hmm. अच्छी बात होगी कि मैं इस, इसका पार्ट हूँ शहनाई mm -hmm. का तो इसलिए मैंने वो कैरेक्टर किया और मुझे तो बहुत मजा आया मैं मैं छोड़े आप स्क्रीन पे क्या है तो सिर्फ मजा करती थी सेट पर से हाँ। ये खाने को मंगा दो वो मंगा दो इसके साथ उसके साथ गप्पे उसके तो या आई आई इट और डांस देखा आपने मेरा नो <laughs> वो क्या ज़बरदस्त मैं तो अभी दोबारा भी देख रही थी जब मैं इंटरव्यू से पहले भी मैं कर रही थी बहुत ही मजा वो सीक्वेंस आप लोगों को शूट करने में कितना मजा आया होगा किसने कितनी कितनी गलतियाँ की कौन सब ज्यादा टेक कर रहा था अरे बहुत सारे हम सब कर रहे थे और मज़े की बात बताऊँ सलमा और जिक्यू बिल्कुल डांस नहीं करती हैं अच्छा। और आता भी नहीं उन दोनों को, बहुत अच्छा हाँ। है उनका तो, तो क्यूट घुमा अच्छा के जो वो कर रही है और वो दोनों मेरी बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छी दोस्त है अच्छा। और सलमा ने और मैंने तो करियर भी ऑलमोस्ट साथ शुरू किया था तो और जिक्यू जब एक्टिंग में आई तो उस वक्त हम दोनों की दोस्ती हो गई तो हम तीनों की वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं इन्हीं बीच में घुसती हूँ उन दोनों के मुझे बहुत मजा आता है आई लव दम तो जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो डांस नहीं करेंगे तो

और जो डांस डायरेक्टर गए निगाह जी उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं जवेरिया तुम तो ना को भड़कता हुआ रंग पहनो हाँ. तो मैंने कहा अच्छा मैं चार पांच साड़ियाँ ले आती हूँ आप देख लें तो उसमें मैं ऑफ वाइट भी ले गई जो कलर पैलेट था उनका और ऑरेंज भी ले गई रेड भी ले गई ना एंड एक ऑरेंज तो मैंने कहा धूप में ऑरेंज पहना रहे आप मेरा क्या हो अलग ही नजर आओगी निगाह जी को लव हो गया था मुझसे और कैरेक्टर hmm. it nice, आपका बड़ा है, उसकी you know, अदाएं और मूवमेंट भी हाथों की और, और, बड़ी हाँ, बड़ी और, की, और तो कोई ब्रीफ दी थी, थी किसी से इंस्परेशन की इस कैरेक्टर से करो या आपने खुद ये सब लुक क्रिएट किया है डायरेक्टर साहब से क्या बात डायरेक्टर ने किया है अहमद भट्टी ने पूरा हर चीज बताया था और अहमद एक ऐसा डायरेक्टर है बहुत दिन के बाद मुझे एक ऐसा डायरेक्टर मिला जो एक्चुअली मुझे बता रहा था कि मुझे करना क्या है अच्छा अक्सर सेट्स पे डायरेक्टर्स आपको नहीं बता रहे होते जैसे आप रकस बिस्वल देखें तो मैंने से बहुत कम काम किया है और बहुत थोड़ा कैरेक्टर था मेरा उसके अंदर लेकिन वो भी वजाहत रहा डायरेक्टर बहुत अच्छा है कि वजाहत ने एक एक चीज़ अपने कंट्रोल में हम डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं मैं अगर आप मुझसे कहेंगे ना खुद ही कुछ करो मैं नहीं कर सकती मुझको बताना पड़ेगा क्या करना है तो ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे एग्जैक्टली exactly बताया कि क्या करना है तो इसलिए शायद इनकी वजह से मैंने बेहतर किया बहुत अच्छा तो ये अहमद भट्टी ने कराया कराफकोर्स आपने डिलीवर किया उनका क्रेडिट उनको एक वो डायरेक्ट करें और आपने परफॉर्म किया मगर हमारे डायरेक्ट नहीं कर रहे ना लोग ये तो एक बहुत बड़ी कंप्लेन है कि हमारे डायरेक्टर्स सही से एक्टर्स को डायरेक्ट नहीं करते हैं स्टोरी पे फोकस ज़्यादा करते हैं ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कैरेक्टर्स पे नहीं करता है शहनाई की यही खूबसूरत बात है इवन दिन किसी पीटी मोहब्बत में भी था कि हर कैरेक्टर हर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट था और उसको देखने में मज़ा आ रहा था मतलब घसी पिटी मोहब्बत में तो कितने ट्रैक्स चल रहे थे और कितने डिफरेंट था ना हाँ। लेकिन हर ट्रैक चार पांच ट्रैक्स थे सब कुछ बहुत मज़े का था वो छोटी बच्ची जो बहन होती है वो उससे लेके आप लोगों तक कहानी इवन जो आपके बेटे बनते हैं उसमें हाँ, सेट अच्छा से हाँ, था, था। so, right, कोई मजे की बात कोई इंटरेस्टिंग वाक बहुत सारी कुछ है, हमें क्या, सुना क्या, क्या 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 हमें बड़े मजे आते हैं सुनने को अच्छा तो रोज शाम को ये कॉम्पिटिशन होता है हमारे कौन क्या मंगा रहा है खाने के लिए अच्छा और उसमें जो निदा आ पाएँ वो सबसे ज़्यादा आगे आगे होती हैं क्योंकि वो उनको खाने से इश्क है अच्छा वो घर से भी इतना खाना लेकर आती हैं और फिर मंगवाती भी हैं और खुद कुछ नहीं खाती हैं हमारे लिए मंग, आता है वो सब वो धोने दो वाले दोने वाले दो दुध चक्के सो ये बेस्ट पार्ट होता है जो हमारी रिफ्रेशमेंट आता है क्योंकि उससे सारे एक्टर्स आके साथ बैठते हैं और सब साथ और साथ खाने का तो मजा ही मजा ही अलग होता है और हाँ सबकी वॉर्ड्रॉब उसमें ऑलमोस्ट मैंने की थी लग रहा था ऐसा <laughs> क्योंकि <laughs> हर कोई आ जाता था प्लीज़ साड़ी फिक्स कर दें प्लीज़ ये कर दें तो शहनाई के हम जब गाना शूट करते थे तो फर्स्ट डे जो था वो हम लोगों ने क्योंकि सुबह हम लोग पाँच बजे से वहाँ पे थे और शाम सात आठ बजे हम घर गए वापस सब थक गए थे तो अगले दिन मेरा कॉल टाइम लेट था मुझको बारह बजे जाना मेरे दो ही शॉट्स रह गए थे तो अमन भट्टी ने कहा जी आप आराम से आइएगा बाकी हम देख लेंगे मैंने कहा ठीक है अच्छा वो क्योंकि मैं आते ही घर आठ बजे सो गई थी तो वो सुबह छः सात बजे आँख खुल गई मेरी तो मैं एम टीवी लगा के लेटी हुई थी तो मुझे फ़ोन आया अहमद भट्टी का मैं डर गई मैंने कहा सुबह सात बजे जी, हौ। जी। हौ। तो इसमें जे अगर आप सेट पे नहीं आई ना तो मेरी लड़कियां बगैर साड़ी के डांस कर रही होंगी और ये अच्छा नहीं लगेगा खुदा के लिए सेट पर आ जाए प्लीज आ जाए मेरी बच्चियों को साड़ी बांधनी नहीं आती तो हाँ पूरे गाने में सब लड़कियों की साड़ी मैंने मानी थी so nice फिर मैं सेट पे गई हम मैंने आधे कास्ट को पिक किया हम सेट पे गए बहुत मजा आया मैं सबकी साड़ियाँ मारी तो मैं दोपहर को बारह एक बजे तक अपने शॉट से पहले मैं सिर्फ लोगों की साड़ियाँ फिक्स कर रही थी किसी का मेकअप कर रही थी उसकी आफान की बो नहीं फिक्स हो रही थी वो कर ऐसे छोटे छोटे मैं सारे काम अच्छे बताए सेट पे सबसे ज्यादा जो पूरी कास्ट है कौन सबसे ज़्यादा टेक्स करता था किसको सब ज्यादा लाइन याद करने में टाइम लगता था एक्चुअली अहमद भट्टी की एक बहुत फैंटेस्टिक बात मैं आपको बताती हूँ जो यूज़ुअली डायरेक्टर्स नहीं करते हैं अहमद सीन शुरू होने से पहले हम सबको लेकर बैठते हैं चाहे वो हम बीस लोग हों बारह हों दो हों चार हों hmm. जितने भी लोग हों सीन के अंदर वो सबको ले बैठते हैं और तकरीबन पंद्रह दस से पंद्रह मिनट वो सिर्फ रिहर्सल कराते हैं nice. और वो हर एक को बताते हैं आपने इसमें ये नहीं करना है ये करना है और अब आप ये करेंगे इसके बाद यूँ होगा और फिर वो सेट पे भी रिहर्स तो ऑलमोस्ट सबको हमेशा सबके सीन याद होते थे अपने okay. अपने That's तो ऐसा really मैंने कभी शहनाई पी देखा hmm. कि किसी को डायलॉग्स नहीं याद hmm. हो हाँ हम मजाक बहुत उड़ाते हैं सबका अरसलान का तो उतना रिकॉर्ड लगता था बेचारे का हमारे हाथ लग जाता था उसका मजाक उड़ाते थे तंग करते थे और मेरे और सदान की दोस्ती भी बहुत है क्योंकि सब सबापास है मेरी बहुत दोस्ती है तो हमने बहुत पार्टी की साथ ना इतनी मस्ती करते थे सेट पर सारा दिन और रमशा तो मेरी जान है वैसे तो उसके जब वो नहीं होती थी सेट पर ना तो बस मैं ऐसे होती थी कहाँ रमशे शे ना यही ऐसे ही चलेगा हल्का फुल्का या आगे जाके हमें थोड़ा रुलाएगा भी थोड़ा जज्बाती होगा या ऐसे सारे सारे फ्लेवर्स फ्लेवर्स हैं सब आने वाला है बिस्मिल का जो आपका कैरेक्टर है आपको लग रहा था कि उसमें एक्टिंग के लिए मार्जिन है क्यों हाँ बोला आपने सच बोलूँगी तो mm. लोग नाराज हो जाएंगे <laughs> लेकिन बनता है एक्चुअली हुआ ये कि रक्से बिस्मिल में ये कैरेक्टर कोई और कर रहा था ओके okay. और क्योंकि कोविड चल रहा था और उनका कोई मसला हो गया तो mm. आ, शाजिया भाभी कॉल्ड मी मजात mm. रूस वाइफ mm. शी सेड ज्वेरिया ये करना है तुम कर लो प्लीज़ और मैं उस वक्त यकीन करें कोई काम नहीं कर रही थी बिल्कुल फ्री थी घर में बैठी हुई थी और बहुत बोर हो रही थी hmm. तो मैंने कहा अच्छा क्या करूँ तो मैंने कहा तुम कर लो ना छोड़ो तुम कर लो मैंने कहा कुछ नहीं है भाभी इसमें काम करने है। hmm. कोई बात नहीं कोई बात नहीं तुम मेरे कहने पर कर दो मैंने कहा ठीक है तो मैंने बस ये ऐसे किया था Basically, इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं थी नॉट टू हेल्प हर आउट वो किसी और को कास्ट कर लेती आई एम श्योर आई डिड इट फॉर माई सेल्फ और बस कुछ था नहीं मेरे पास करने के लिए उस वक्त और मैं बहुत बोर थी और मैं बहुत डिप्रेशन में थी तो मैंने कहा मैं घर से बाहर निकलूंगी या फिर बैठा लोगों से मिलूंगी सही हो जाऊंगी हाँ। तो ये मैंने इसलिए किया और इट वर्कड हाँ। रक्स बसमल चल ही रहा था तो घसी पिटी मोहब्बत शुरू हो गया किसी हाँ। पीटी खत्म हुआ शहनाई शुरू हो गया हाँ। और उसके साथ तो वो, वो एक चेन बन गई ताना आ गया ताना बाना का है आपको कैसा लगा अभी तक तो दो तीन दो ही हुई है और मैं रमजान में स्ट्रगल कर रही हूँ इतनी चीजें इतनी चीजें